नमाज के लिए आपके लिबास का साफ होना भी शर्त है, आपके जिस्म का पाक होना भी शर्त है, हद से अकबर और हद से असगर से पाक होना भी शर्त है, और जहां खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना भी शर्त है। मुझे बताइए, कोई ऐसा पाकीजा दीन आपने देखा है? इससे बढ़कर क्या कि जब तुम इस दुनिया से रुखसत होने लगे और तुम्हारे बदन को मिट्टी के सुपुर्द करने लगे और वो बदन मिट्टी खा जाएगी, लेकिन कहा कि इसको भी जरा गुस्ल दे के भेजो।